दोस्तों, भारतीय परंपराओं में मंत्र का बड़ा स्थान है। चाहे मंत्र किसी प्रकार का हो, चाहे हम लोग गायत्री मंत्र करें या दुर्गा दुर्गा का पाठ करें, कोई भी आने वाले कल में कुछ दिन बाद नवरात्र चालू होने वाली है, तो भारतीयता जीवित है परंपराओं में। अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, सुबह का वक्त है और मुझसे बचपन से मैं सबको देखता आया हूँ जो मंत्र का उच्चारण करते हैं या ब्रह्म मुहूर्त की बेला पे किसी प्रकार पाठ करते हैं, वो अच्छा महसूस करते हैं, शक्तिशाली महसूस करते हैं, अपने परिवार, देश, जात, समाज के लिए भी कल्याणकारी काम करते हैं। इस वक्त इस मुहूर्त पे जैसे आज मुझे एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करना था, आप भी सुने, अच्छा लगेगा, समय मिले तो करने की भी कोशिश करिए कि हम लोग अपनी परंपराओं को, ऋषि परंपराओं को या हमारी संस्कार जो आदिकाल से है उसको कैसे लेके चलें, उसके बारे में कैसे सोचें, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्ट सप्तशती श्रोता। ओम सती साधु भवृता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्यात्री नेता शून धारणी पिनाक धारणी चित्रा चंद घंटा महातपा मना बुद्धि अहंकारा चित्र रूपा चिता चिति सर्व मंत्र में सत्ता सत्यानंद स्वरूपणी अनंता भावनी भाव्या भव्या अभव्य सदा गति शांभवी देवी माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष गणा दक्ष यज्ञ विनाशनी अपर्णाणि कुंडला पाटला पाटला होती पट्टा और प्रधाना कलमणि रजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुसुंदरी वंदुर्गा मातंगी मतंग मणि पूजिता ब्राह्मी महाश्वरी इंद्र कुमारी वैष्णव चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बोधिता बहुला बहुल प्रमा सर्वान वाहना निशुम शुभ भन्नी महिषासुर मर्दिनी पदकेट भंत्री चंड विनाशनी सर्वासुर विनाशा सरदारो घात्री सर्वशास्त्र में सत्या सर्वास धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेका धारणी कुमारी एक कन्या कैशोर युति यति अपड़ा पड़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमश्री कात्यायनी सरोज सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवादिनी। ये मंत्र शक्ति देते हैं, हमें इसका उच्चारण करना चाहिए, हमें इसके मर्म को समझना चाहिए, इसे शक्तिशाली बनेंगे और लोगों को काम आएंगे। और जीवन जो हम कहते हैं मृत्यु और महामृतम गम्य, मृत्यु के बाद का जीवन हमें आज कर्म देता है, इसे जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, अहम ब्रह्मास्मि।